सो हे एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आई होप कि यार आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जो नीट का अपडेट था, यानी कि पिछले 4-5 दिनों का, वो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिया हुआ था। आप लोग काफी अच्छा रिस्पांस आया, 24,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफी लोगों ने यार उस वीडियो को लाइक किया एंड काफी लोगों ने यार हमारे साथ कनेक्ट भी हुए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जब मैंने उसका कुछ कमेंट्स देखा तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि भैया क्या हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं, आप ये हमें फाइनलाइज करके बताइए। और इसके साथ साथ कल 2-3 अपडेट न्यू आई, जो कि यार आपको मैं पूरा यहाँ पे प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आप में से जो काफी सारे स्टूडेंट मैंने देखा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं या फिर इधर उधर डेली डेली वीडियोस देख रहे हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स दिन की 2-2, 3-3 वीडियो एक ही टॉपिक पे डाल रहे हैं, ना अपना चेहरा दिखाते हैं ना उनका एक कहीं प्रेजेंस है, तो बहुत सारे वो मिसलीड भी करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि यार इस पे आपको एक क्लेरिफिकेशन, इसके साथ साथ जो आपका पूरा प्रूफ है, जो वहां पे वो नोटिस आया हुआ है, वो सारी चीजें को मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यार, मेरा नाम है ऋतुराज सिंह एंड इस चैनल पे यार आपको नीट के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलती रहती है। और एक हमारा काफी प्यारा सा यार टेलीग्राम पे कम्युनिटी है, जहां पे 5,000 से ज्यादा हमारे ग्रुप और चैनल में स्टूडेंट है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही सीयूईटी की डेट आई, काफी सारे स्टूडेंट पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि यार सीयूईटी में भी काफी सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट है जिन्होंने वहां पे अपना जो एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। तो सबसे बड़ा उनके अंदर ये कंसर्न है कि मान लीजिए मेरा एक सिटी में जाता है सीयूईटी और दूसरे दिन नेक्स्ट डे मान लीजिए अगर आपका चला जाता है नीट के लिए दूसरे सिटी में, तो आखिर हम कैसे ट्रेवल करेंगे। और एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है यार कि जो पूरा सिलेबस है इतने कम टाइम में हम कैसे इसको कवर करेंगे। और बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कि यार काफी सारे मीडिया चैनल्स वाले भी इस चीज को कवर कर रहे हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह। राइट, तो काफी सारे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है या फिर खुद ही स्टूडेंट ने इसका जो कंप्लेन है वो किया हुआ था। राइट, तो इसके अगर हम बात करें इसके जो रिप्लाई में एनटीए ऑफिसर जो है, ज्वाइंट डायरेक्टर, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये एनटीए की वेबसाइट पर भी आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं, उनका नाम वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको लाइक वेरीफाई करना है उस कंडीशन में। तो इन्होंने वहां पे वो चीज क्लियर कहा है, आप यहाँ पे साइड में वो नोटिस या फिर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जहां पे कंप्लेन किया गया था। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये कैंडिडेट ने ही कंप्लेन किया हुआ था, तो उन्होंने एक चीज यहां से क्लियर कर दिया है कि हम जो एनटीए मतलब है वो अपना एग्जाम जिस दिन आपका लाइक ऑलरेडी शेड्यूल है उसी दिन आपका होगा। राइट, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 17 जुलाई को होगा। अब यहाँ पे यार आपको काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एंड मैं देख रहा था काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि यार भैया इस मोमेंट पे हम कैसे अपना रिवीजन करें, इन मॉक टेस्ट कौन सा दे यार। तो देखो यार मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा एडुकार्ड का, यार यहाँ पे जो अभ्यास आपके लिए नीट के तरह आपको एकदम सेम टू सेम यहाँ पे उनका जो प्रैक्टिस मिलता है यार वो आप जरूर उसको फॉलो करो। सबसे बड़ा जो उसका एडवांटेज ये है यार कि ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है एनटीए का उसके बेस पे यार आपका बनाया गया है। और जो यार नीट के टॉप एजुकेटर्स हैं जैसे कि आपकी गरिमा मैम हुई या फिर प्रणय सर, तो ये जो सारे लोग हैं यार इनके साथ कोलैबोरेट करके उनके जो लाखों स्टूडेंट का जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है या फिर जो उनका कई सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उन्होंने उस पेपर को डिजाइन किया हुआ है। और यार ये पेपर्स को अगर आप डेली देते हो ना लगभग आपको 20 का सेट्स मिल जाएगा टोटल। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपका जो बेसिकली एक इजी लेवल क्या होता है, मॉडरेट लेवल क्या होता है, सारी चीजों को इन्होंने यार इसमें कंबाइन कर रखा है और ये आपको ऑफलाइन में मौका मिल रहा है। राइट, तो काफी सारी चीजें यार आपको जब रियल एग्जाम में जाओगे तो अगर इस टेस्ट को अच्छे से दे लेते हो, 10 भी अगर आप करते हो, तो काफी जो आपका रैंक है वो इम्प्रूव हो जाएगा, मार्क्स भी काफी इम्प्रूव हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो इसको एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना, काफी आपको इससे हेल्प मिलेगी। राइट, और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं यार। देखो इम्पोर्टेंट बात यह है यार कि आपका सिलेक्शन, पैसे तो यार आएंगे जाएंगे, सिलेक्शन और आपका जो टाइम है वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जाकर जरूर परचेस करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं यार, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एनटीए में लाइक जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिए थे, तो एनटीए ने वहां पे भी वो सारी चीजों के बारे में फिर से मना कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एनटीए एक जस्ट कंडक्टिंग बॉडी है, उसके हाथ में कोई भी ये चीज नहीं होता है कि वो एग्जाम पोस्टपोन कर दे या फिर नहीं, वो साफ ये चीजें मना कर दिया है। उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, हायर अथॉरिटीज की तरफ से,
फिर उसके बाद वो जो आपके वहां पे ऑफिसर्स होते हैं वो नोटिस वगैरह रिलीज करते हैं, राइट। अब बात करते हैं, आप अगर आप पिछले 2 सालों का देखेंगे, काफी सारे स्टूडेंट देखे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, कि जैसे ही आपका ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो 1 सेकेंड 10 सेकेंड से ज्यादा वो मैटर को नहीं लेते हैं और वो डायरेक्ट कह देते हैं कि ये जो आपका मुद्दा है ये अथॉरिटीज एजुकेशन मिनिस्ट्री वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई केस नहीं बनता है। काफी सारे स्टूडेंट जो इसके रिगार्डिंग परेशान थे, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जो स्टूडेंट पोस्टपोनमेंट के लिए लाइक चाहते हैं, वो तो या फिर आपका हो गया पीएमओ, या फिर आपको जो दूसरा ऑप्शन हो गया वो आपका हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर, राइट। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका एग्जाम पोस्टपोन करें या फिर न करें। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, तो आई होप कि आपका जो मोस्टली डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। और मैं यार यहाँ पे आ चुका हूँ अपने घर पे, तो अब आपको प्रॉपर सेट के साथ, प्रॉपर वॉइस के साथ आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे मेरी जो लास्ट वाली वीडियो चाहती थी, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने अच्छा सा अपना सेटअप कर लिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच यार फॉर योर सपोर्ट। अच्छे से अब जाओ पढ़ाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, जिससे आप उसको जाकर परचेज करो, प्रैक्टिस करो जमकर, क्योंकि यार अगर उससे प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो मार्क्स है वो डेफिनेटली 30% तो इम्प्रूव करेगा ही, अगर उसको प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस करते हो, सेल्फ एनालिसिस करते हो, और जो ओएमआर है उसको आप अच्छे से फिलअप करते हो तो, ठीक है। ऑल